हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग आपको कैनवास बनाने का सबसे सरल तरीका बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक कार्डबोर्ड चाहिए और हमें इस कार्डबोर्ड को एक चरखुर शेप में कट कर लेना है। उसके बाद हमें इसे हम चारों तरफ से कट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I... तो फ्रेंड, हमारा कार्डबोर्ड कंप्लीट हो चुका काट के। उसके बाद हमें कैनवास बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड काटे थे उसे चाहिए, और एक वाइट कपड़ा चाहिए हमें, और एक पेपर भी चाहिए हमें वाइट कलर का, जिससे हमारा कैनवास अच्छा बनेगा, और एक फेविकोल चाहिए। उसके बाद हम इन सारे सामान की मदद से हमें कैनवास बढ़िया से बनाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए हम इस फेविकोल का घोल बनाते हैं। सबसे पहले हम कटोरा में फेविकोल निकाल लेंगे और हम एक फेविगम भी इसके ऊपर से डालेंगे। दोनों के कॉम्बिनेशन रहेगा ये अच्छा होगा। और इसे हम इसके अंदर पानी डाल के इसे अच्छा से मिला लेंगे। तो चलिए इसमें हम पानी डालते हैं। उसके बाद हम इसे एक चम्मच की मदद से अच्छा से इसको मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें काम करेंगे। तो चलिए इसे हम मिला लेते हैं। तो फ्रेंड, इसे हम बढ़िया से मिला लेंगे। ये एक भी रहना नहीं चाहिए, पूरा लिक्विड फॉर्म में बन जाना चाहिए अच्छा से। तो हमारा ये फेविकोल का घोल तैयार हो चुका है। उसके बाद हम वही कार्डबोर्ड को लाएंगे जिसे हम काटे थे। उस कार्डबोर्ड को लाने के बाद पेपर एक लाएंगे और पेपर को अच्छा से इस पूरा कार्डबोर्ड में हम इसे चिपका देंगे। उसके बाद हम इसे फेविकोल की मदद से, तो चलिए हम इसको चिपकाते हैं। तो इसमें हम फेविकोल निकाल लेंगे। इसमें हम फेविकोल निकाल लिए हैं और इसे हम अच्छा से मिला रहे हैं। उसके बाद हम इसमें चिपकाएँगे इस पेपर को। तो चलिए चिपकाते हैं इस पेपर को, इसे अच्छा से इसमें चिपका लेंगे। तो चलिए चिपकाते हैं इसे, हम इसे अच्छा से इसके ऊपर पेन से चिपका लेंगे। उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा एंड निकलेगा इसको हम कैंची की मदद से काट देंगे। तो उसके बाद हम इसके काटने के बाद इसका आगे का प्रोसेसिंग हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो फ्रेंड, ये हमारा अच्छा से प्लेन से कट चुका है। उसके बाद हम इस घोल को जो बनाए थे उसके अंदर इस कपड़े को, वाइट कलर के कपड़े को इसमें डुबाएंगे और इसे अच्छे से भिंगा लेंगे। इसे अच्छे से भिंगा लेने के बाद वो वाला जो पेपर चिपकाए थे जिस कार्डबोर्ड में उसे लाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम अच्छे से इसको सीधा करके हम इसके ऊपर चिपका लेंगे इसको। उसके बाद हम इसे धूप में सिखाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सीधा करके इसको चिपकाते हैं इसके ऊपर। इसे ऊपर से चिपका लिए हैं। उसके बाद हम इसे चलिए धूप में सुखाने के लिए ले जाते हैं, जिसको हम छत के ऊपर लेके छोड़ दिए धूप में। ये 1 आवर्स में ये सूख जाएगा। उसके बाद धूप में सुखा लेने के बाद हम इसको कैनवास को पीछे साइड से इसे अच्छा से टाइट करके हम इसमें टेप की मदद से इसको चिपका लेंगे, जिससे ये खुलेगा ना, ये अच्छा से हो जाएगा। उसे हम टाइट करके करेंगे जिससे ये स्मूथ बने होगा और ये अच्छा से इसमें ड्राइंग और पेंटिंग बन पाएगा। तो इसे हम बढ़िया से इसको हम चिपका लेते हैं इस टाइट करके। तो चलिए हम इसको चिपकाते हैं। तो फ्रेंड, फाइनली हमारा ये स्मूथ कैनवास बन के रेडी हो चुका है। और आप लोग अगर ये कैनवास बनाने का ट्रिक अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी बटन को भी दबा लें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको मिल पाए। और अगर आपको इस कैनवास पर पेंटिंग बनाने का भी वीडियो देखना है तो आप लोग जल्दी से इसे कमेंट करके बताएं कि कौन सा ड्राइंग बनाना है, उसी के हिसाब से मैं ड्राइंग बनाऊंगा। तो बस आज